नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सर एक बार पुनः आप सबों को अपने क्लास में स्वागत करता हूं। तो बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए रेनबो पार्ट टू से एक और कविता लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, विच हैज बीन रिटन बाय कमला दास। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। प्यारे बच्चों, आप सबों को पता है कि जब भी मैं कोई कविता या कहानी पढ़ाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस प्रकार से आपको पढ़ाऊं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छूट न जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कमला दास के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट यू नो दैट कमला दास वॉज बोर्न इन केरला इंडिया। उनका जन्म भारत के केरल में हुआ था। सो शी वॉज एन इंडियन इंग्लिश पोएट। तो भारत में इनका अगर जन्म हुआ है तो हम जान लेंगे कि कमला दास एक भारतीय अंग्रेजी कवित्री थी, एंड यू कैन कॉल हर इंडो एंग्लियन पोएट। अगर पूछा जाए व्हिच टाइप ऑफ पोएट इज कमला दास, तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके सामने होगा, इंडियन इंग्लिश पोएट या इंडो एंग्लियन पोएट। शी वॉज बॉर्न ऑन 31st March 1934 एंड डाइड इन 31st मई 2009। प्यारे बच्चों, अगर जन्म से रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो केवल आप याद रखोगे उनका जन्म के बारे में, क्योंकि मृत्यु की बात आपकी कविता में नहीं दी गई है। तो याद रखना है 31 मार्च 1934 को उनका जन्म भारत के केरल राज्य में हुआ था। उनके बारे में याद रखेंगे कि शी वॉज ए पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। याद रखिएगा, कवित्री को पोएट के जगह पोएटेस भी बोला जाता है, तो जो टर्म यूज रहे वो ध्यान देंगे आप। यानी उनके बारे में याद रखना है कि रखेंगे कि कमला दास एक कवित्री के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। एक और चीज जानने की जरूरत है, हर पेन नेम, यानी उसका पेन नेम माधवी कुट्टी। याद रखिएगा, आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि माधवी कुट्टी कौन थी या व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ कमला दास, तो याद रखेंगे माधवी कुट्टी। चलिए, ये हो गया। फिर याद रखेंगे माय ग्रैंड मदर हाउस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1965। ये भी याद रखना है, इस कविता का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे, दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम समर इन कोलकाता। यह कविता समर इन कोलकाता या कलकत्ता, याद रखेंगे, दोनों में कोई एक वर्ड रह सकता है, से लिया गया है। फिर याद रखिएगा, सी हैज रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। अंग्रेजी की अच्छी कवित्री तो थी ही, साथ साथ आप याद रखोगे कि सी हैज रिस्पेक्टेबल प्लेस इन मलयालम लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑल्सो। मलयालम भाषा या साहित्य में भी उनका अच्छा स्थान था। सी हैज रिटन मैनी पोएम्स इन मलयालम लैंग्वेज। फिर याद रखिएगा, वंस सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज
फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए एक बार उनका नॉमिनेशन, नोबेल प्राइज के लिए भी हुआ था, यह भी याद रखने वाली बात है। दीज पॉइंट्स मे बी आस्क इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसलिए आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नहीं छूटने हैं, इसका वर्षक मेरा प्रयास होता है। फिर याद रखिएगा हर इंपॉर्टेंट वर्क्स, द डिसेंडेंट्स, उनकी महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन है, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, या अल्लाह। गौर करोगे विद्यार्थी, आपकी किताब में यस अल्लाह लिखा हुआ है, बट दैट इज रॉन्ग। उनकी कविता का नाम या अल्लाह है। एक और है बुक, सॉरी, ओनली सोल नोज हाउ टू सिंग। आप अपनी किताब में देखोगे यहां सेंट लिखा हुआ है, तो सेंट नहीं है बल्कि उनकी रियल बुक का नाम है ओनली सोल नोज हाउ टू सिंग। दीज आर हर इंपॉर्टेंट बुक्स। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समर इन कोलकाता, जिन बुक से इस कविता को लिया गया है। फिर आप देखेंगे दिस पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल, यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, जब लोग कोई अपने बारे में, कोई राइटर या पोएट लिखते हैं या अपने परिवार के बारे में, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी मां का घर, तो समझ गएंगे कि दिस पोएम इज आल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल पीस। दिस पोएम इज ए लिरिक, यह भी याद रखना है, यह कविता एक लिरिक है। नाउ हियर आई मीन इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड हर लव। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। अब ध्यान देंगे, यह एक बेहतरीन कविता है कमला दास की, एंड थ्रू दिस पोएम कमला दास पेज हर ट्रिब्यूट टू हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी मां के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करती है। इस कविता में वो अपने दादी मां के घर और उसके प्यार का वर्णन, के प्यार के बारे में वर्णन करती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इस कविता की ओर ले चलता हूं। कितनी खूबसूरत कविता है। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। चलिए, अब मैंने आपके सामने इस कविता की लाइंस भी रख दिया, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब आप मेरे से जुड़ते हो, मेरे साथ पढ़ते हो, तो बुक्स आपके सामने होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, दिस इज अ वेरी नाइस पोएम, और मैंने जैसा कि बताया, इस कविता के माध्यम से कमला दास कवित्री ने अपनी दादी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का प्रयास की है, और वो ये दिखाने का प्रयास करती है कि हाउ सी लव्ड हर ग्रैंड मदर। कोई इंसान अपनी दादी से कितना प्यार कर सकता है, कर सकती है। तो चलिए, अब एक एक लाइन के माध्यम से कमला दास की कविता को समझने का प्रयास करते हैं। देर इज ए हाउस नाउ फार अवे, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देर इज ए हाउस, एक मकान है, नाउ फार अवे, जो अभी काफी दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां
कभी मुझे प्यार मिलता था। इट मीन्स थ्रू दिस लाइन द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस दैट देर इज ए हाउस विच इज फार फार अवे, जो अभी काफी दूर है। यानी हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी माँ के घर के बारे में बात कर रही है कि वो मकान जो अब मुझसे काफी दूर है, जहां कभी मुझे प्यार मिलता था। यानी आप समझ सकते हैं कि कमला दास अपनी दादी के माँ के घर से अभी काफी दूर अपने पति के घर पर है। तो पहली लाइन के माध्यम से वो बताना चाहती है कि वो घर माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज फार अवे नाउ वेयर आई रिसीव लव दैट वुमन डाइड। एंड पोएट सेज द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दैट वुमन हु इज नॉट अलाइव नाउ, कवित्री उस औरत की बात कर रही है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है, वो घर अब वीरान हो चुका है। प्यारे बच्चों आप याद रखोगे, इन चाइल्डहुड द पोएट यूज टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। मैंने अभी एक लाइन लिखा था यहां, बचपन में कवित्री अपनी दादी मां के साथ रहती थी तो अपनी उन लम्हों को याद करती है कि एक मकान है जो अब मुझसे काफी दूर है, जहां मुझे काफी प्यार मिलता था, और उस मकान की जो मालकिन थी अब वो इस दुनिया में नहीं है। द हाउस विड्रो इन टू साइलेंस, अब वो घर में चारों तरफ शांति और चुप्पी सन्नाटा छा गया है, क्योंकि उस घर की ओनर अब नहीं है। तो उस घर में चारों तरफ सन्नाटा है, शांति है, साइलेंस। स्नेक्स मूव्ड अमोंग बुक्स, कभी उस घर की पिटिएबल कंडीशन की बात कर रही है कि अब उस घर की दयनीय हाल यह है कि अब उस घर में जहां चहलकदमी हुआ करता था, जहां भाग दौड़ हुआ करता था, जहां मौज मस्ती हुआ करता था, अब सन्नाटों ने उस घर को कैद कर दिया है। और वहां रखी हुई जो किताबें हैं उन किताबों पर अब स्नेक्स मूव्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, ये भी एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी उन किताबों पर अब सांप कीड़े मकोड़े मूव कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, उन चीजों की देखभाल करने के लिए अब कोई नहीं है वहां। फिर वो कहते, आई वॉज देन टू यंग टू रीड, एंड द पोएट इज मेमोराइजिंग अबाउट दैट बुक्स, दोज बुक्स विच सी कुड नॉट रीड। कहती उन किताबों पर अब सांप मंडरा रहे हैं, सांप मूव कर रहे हैं। वो किताबें उस समय, आई वॉज देन टू यंग, यंग मैंने जवान नहीं, उस समय में काफी छोटी थी वो किताबें पढ़ने के लिए। यानी उन किताबों को मैं उस समय नहीं पढ़ पाती थी जब मैं दादी के यहां बचपन में रहा करती थी, उन किताबों के ऊपर अब सांप मंडरा रहे हैं। यानी द पोएट गिव्स अ क्लियर पिक्चर अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, बड़ा स्पष्ट एक सीन, एक दृश्य, एक तस्वीर क्रिएट करने का प्रयास कर रही है। कभी कहते माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून वेन एवर आई थिंक अबाउट दैट थिंग, कि एक समय था जहां चहलकदमी थी, जहां मौज मस्ती था, जहां उमंग उत्साह था, वो घर अब सन्नाटों में कैद है, उन घरों की किताबों में अब सांप मंडरा रहे हैं। ये जब मैं सोचती हूं माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक मून, मेरे रक्त जम जाते हैं, ठंडा पड़ जाते हैं चांद की तरह। यह भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि इस कविता में सिमिली का काफी प्रयोग किया गया है। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है,
है ना। तो वो कहती है कि whenever I think about that moment, my blood turn cold like moon, मेरे शरीर के रक्त जम जाते हैं चांद की तरह। फिर आगे कभी कहती है how often I think of going there, because the poet is far away from that house, अभी काफी दूर है उस घर से। और यह भी कबूल करती है कि कई बार मैंने उस घर को विजिट करने का प्रयास किया, उस घर में जाने के बारे में सोची। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, कि काश मैं उस घर में जा सकूं और वो बंद खिड़कियां उन ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो से ये झांक सकूं, ताक सकूं। अब देखिएगा, कोई भी मकान का जो आंखें होती है वो ब्लाइंड, वो खिड़कियां होती है, लेकिन अब वो खिड़कियां बंद है, ब्लाइंड आईज यूज किया उन्होंने। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, द पोएट सेज दैट आई डिसाइडेड टू विजिट मेनी टाइम्स टू दैट प्लेस, आई वॉन्ट टू फील दैट मोमेंट, आई वॉन्ट टू फील एंड लिसन द फ्रोजन एयर, वो जमे हुए वो ठंडी हवाएं, जिन हवाओं को उन बंद खिड़कियों ने कैद करके रखा है। मेरे मन में कई बार इच्छा हुई कि मैं जाऊं और झांक करके उस खिड़कियों से, बंद खिड़कियों से देखूं, उन कैद फ्रोजन एयर को महसूस करूं। यानी द पोएट रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड, द लव ऑफ हर ग्रैंड मदर, हाउ सी स्पेंड देयर टाइम, हर टाइम देयर, कैसे वो अपना समय वहां व्यतीत करती थी, जिन जगहों पर वह इंजॉय करती थी, वो उस जगह पर अब चारों तरफ सन्नाटे हैं, सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हवा फ्रोजन हो चुका है, चारों तरफ डार्कनेस है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और कभी कहती कि जब मैं सोचती हूं तो काफी निराश हो जाती हूं इन चीजों के बारे में सोचकर। पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। देखिएगा कुछ टर्म मैंने यहां लिखा है, ब्लड टर्म कोल्ड लाइक मून, फ्रोजन एयर, ब्रूडिंग डॉग, ये टर्म सब याद रखेंगे, लाइक ब्रूडिंग डॉग, या भी सिमिली का यूज हुआ है। कभी क्या कहती है कि मैं चाहती हूं कि मैं उस घर में जाऊं और कम से कम वो जो अंधेरा है, वो जो चुप्पी है, कम से कम मुट्ठी भर, बांह भर उस अंधेरों को कैद करके मैं ले आऊं और अपने बेडरूम के दरवाजे पर ला करके रख दूं। कवि का प्यार इन लाइनों से कैसे झलकता है। कवित्री कितनी आतुर हो गई है अपनी दादी के प्यार को व्याख्यान करने में। कहती है कि मैं वहां के अंधेरों को लाना चाहती हूं, वहां के हर मोमेंट को कैद करके काश में ला पाती मुट्ठी भर, और अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर में छोड़ देती, जिस प्रकार लोग ब्रूडिंग डॉग्स को रखते हैं, कुत्ते को रखते हैं। काश मैं उन लम्हों को, मैं उन यादों को, मैं उन प्यार को, भले वो डार्कनेस में अब परिणत हो गया है, मैं चाहती हूं कि जाऊं और उसे मुट्ठी भर उस डार्कनेस को ले आऊं और अपने बेडरूम के बगल में रख दूं, ताकि जब कभी भी मेरा मन करे उसे मैं देख पाऊं, उसे मैं महसूस कर पाऊं। इन लाइन के माध्यम से कवित्री ने बड़ा एक्सट्रीम कर दिया है अपने दादी के प्यार और उसके घर के प्यार का वर्णन करने में। अब वह कहती है यू कांट बिलीव डार्लिंग, कैन यू। अब डार्लिंग वर्ड जो है ना, शायद कवित्री ने अपने पति के लिए यूज की है। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जितने भी रीडर्स हैं उसके लिए भी डार्लिंग आया है, बट आई थिंक दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर हर हस्बैंड, बिकॉज नाउ कमला दास इज स्टेइंग एट हर हस्बैंड हाउस। तो वो अपने पति को कहती है कि तुम
विश्वास नहीं कर सकते हो ना डार्लिंग, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, कि मैं एक ऐसे मकान में रहती थी जहां रहना मेरे लिए गर्व की बात थी। यानी अपने पति को एक तरफ से वो धिक्कारती है, यू कांट गिव मी दैट लव विच आई गॉट रिसीव फ्रॉम माई पेरेंट्स, आप मुझे वो प्यार नहीं दे सकते हो जो मुझे दादी से मुझे मिला, और आपको विश्वास भी शायद नहीं होगा कि क्या क्या मुझे मिलता था, कैसी फीलिंग, कैसी बॉन्डिंग हमारी और दादी के बीच थी। आई वॉज फीलिंग प्राउड, मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रही हूं, लव्ड महसूस कर रही हूं, मुझे बड़ा प्यार आ रहा है कि मैं एक ऐसे मकान में रहती थी जहां मुझे बेइंतहा प्यार मिलता था, जहां आई हैड फ्रीडम टू गो एनीवेयर टू डू एनीथिंग, जहां मुझे आजादी थी कुछ भी करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, वो आजादी, वो सारी चीजें अब मैंने खो दिया है। इसलिए फिर एक आप एक लाइन को याद रखेंगे, आई हु हैव लॉस्ट माई वे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने वो सारे रास्ते खो दिए हैं। आई, मैं, जिसने वो रास्ता खो दिया है, वो गाइड खो दिया है, वो फिलोसफर खो दिया है, उस व्यक्ति को खो दिया है जो मुझे गाइड करती रहती थी, जो मुझे सिखाते रहती थी, जो मुझे बताते रहती थी, जो मुझे बेइंतहा प्यार करती थी। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, यानी वो प्यार जो दादी मुझे दिया करती थी, आज उस प्यार को मैं अजनबियों के दरवाजे पर मैं भीख मांगती हूं। जो प्यार मुझे काफी मात्रा में मुझे मिलते थे, आज उस प्यार के लिए मैं तरसती हूं, तड़पती हूं, और अजनबियों के दरवाजे पर उस प्यार को पाने का प्रयास कर रही हूं। टू रिसीव लव, उस प्यार को पाने के लिए एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, मुझे पता है कि आई कैन नॉट गेट दैट लव, बट आई एम बेगिंग फॉर एटलीस्ट स्मॉल चेंज, कि कम से कम उतना तो नहीं मिल पाएगा मुझे विश्वास है, लेकिन थोड़ा सा ही सही, अलग रूप में मिले, लेकिन आई वॉन्ट टू गेट दैट लव अगेन, फिर से मैं वो प्यार चाहना चाह प्यार पाना चाहती हूँ, फिर से मैं वो आज़ादी चाहती हूँ, फिर मैं चाहती हूँ कि मुझे वैसा गाइड मिल जाए, वैसा मुझे इंसान मिले जो हर वक्त मुझे कुछ सिखाते रहे, पढ़ाते रहे, बताते रहे। तो बड़ी बेहतरीन कविता कमला दास ने अपने दादी के प्यार के बारे में, अपने दादी के घर के बारे में लिखा है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपने इस कविता को काफी इंजॉय किया होगा, और इस कविता को जब आप पढ़े होंगे तो आपको भी अपनी दादी का प्यार याद आ रहा होगा, क्योंकि एक बच्चा सबसे ज्यादा प्यार बचपन में, इवन माँ बाप से भी ज्यादा दादा दादी से प्यार करते हैं, क्योंकि वहां उसे आजादी होती है। मम्मी पापा तो टोकते भी रहते हैं, डांटते भी रहते हैं, बट दादी के पास उनको बेइंतहा प्यार मिलता है, जहां उसे हर चीज की आजादी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कविता खूबसूरत ढंग से समझ में भी आ गया होगा, काफी आप लोगों ने इंजॉय भी कर लिया होगा, और आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवित्री एक बार अपनी मरी हुई दादी को याद करती है, उसके प्यार को याद करती है, और अपनी दादी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करती है। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि फिर से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे तो कविता आपकी बुक में है ही, आप इन सारे पॉइंट्स को, ऑब्जेक्टिव को कॉपी में लिख करके उसको ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।